कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुर्तजा खान। आज इस एपिसोड में बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी टीआरपी चोर है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने आरोप लगाया है तीन चैनल पर। एक है रिपब्लिक टीवी, वहीं दो और लोकल चैनल हैं मुंबई के। उन्होंने आरोप ये लगाया कि ये तीनों चैनल टीआरपी चोर हैं, पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। मतलब ऐसा पब्लिक को दिखाते थे कि हमारा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इन तीनों चैनलों पर दोस्तों मुंबई की पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। मुंबई पुलिस का कहना यह है, मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो दो लोकल चैनल उनके ओनरों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं रिपब्लिक टीवी पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अब ये माना जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो केस दर्ज, मतलब चैनल पर जो केस दर्ज हुआ है, क्या अर्नब गोस्वामी जेल जाएगा? क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जो दो लोकल चैनल हैं उनके ओनर को तो गिरफ्तार कर लिया है। अब रिपब्लिक टीवी ने भी वही गलती करी है जो दो लोकल चैनलों ने करी, उनके ओनर को गिरफ्तार करा। क्या मुंबई पुलिस टीआरपी जो चोर है उसके चैनल को गिरफ्तार करेगी, चैनल के मालिक को गिरफ्तार करेगी, ये आने वाला टाइम बताएगा। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे किस तरीके की ये रिपब्लिक टीवी रिपोर्टिंग करता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपने देखा होगा कि मतलब एक आत्महत्या को, खुदकुशी को ये बोल रहे थे कि किसी ने उसका मर्डर किया है। एम्स के 7 डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद इनकी थू थू हो रही है, और ये अब भी सुशांत सिंह राजपूत गाए जा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती गाए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक रिया चक्रवर्ती, उसके ऊपर इन्होंने ये साफ ये कर दिया था कि मर्डर करा है रिया चक्रवर्ती ने, और उसकी एक जिंदगी, एक लाइफ से छेड़छाड़ करी है। और ये किस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं आप सब लोग जानते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश करते हैं, और जो अहम मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये चैनल है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, और अपने चैनलों पर सिर्फ वही दिखाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। और सुशांत सिंह राजपूत का केस जो इन्होंने इतने दिन से चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है, इसलिए इतना दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और का पक्ष नहीं लेते, सारे के सारे जो, या तो भारतीय जनता पार्टी जो NDA जो है उसके साथ देंगे, या फिर अपना साथ देंगे, और बाकी जो है इनके लिए दुश्मन है। दोस्तों रिपब्लिक टीवी की मैं बात करूं, अब देखना ये कि अर्नब गोस्वामी जेल जाएगा, और जो केस दर्ज हुआ है टीआरपी की, टीआरपी चोरी करने के आरोप में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर क्या एक्शन लेती है मुंबई पुलिस, ये आने वाला टाइम बताएगा। चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रयास जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।